नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल पल पल, हर पल आपके साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आओ हम सब मिलकर मदद करें, और जो ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा आई है, ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ के जो हालात पूरे देश के करीबन 12 जिले से इफेक्टेड हुए, इसके लिए आम नागरिक जो हमारे बाढ़ से प्रभावित है और जो बाढ़ से बचा हुआ क्षेत्र है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, जो इसमें हमारी सरकार की तरफ से पूरी मदद है, प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, हमारी सोशल संस्थाएं लगी हुई हैं, और हमारा जागो दिशा से ही सोच लेंगे, जो हमारे संगठन के सोशल संगठन उसके कार्यकर्ता इसमें भरपूर अपना सहयोग आज इस आपदा के समय में लोगों को सुविधा दे सके उसके लिए लगे हुए हम सब लोग मिलकर। और ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये हम सब मिलकर ही इसका निदान कर पाएंगे। जो सरकार की घोषणाएं हैं, मैं अपील करना चाहूंगा खासतौर से हमारे जितने भी सोशल संस्थाएं हैं, हमारे संगठन के साथी हैं, कि उसके अंदर जहां बाढ़ की वजह से सबसे पहले जो 5-6 सुविधाएं हैं उनकी तरफ हमें आज भी ध्यान देना है, और बाढ़ के बाद के जो हालात होंगे उनको भी हमने मिलकर उनको सुधार की तरफ बढ़ाना है। सबसे पहले कि जो मनुष्य है या हमारा पशुधन है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी का ध्यान करना है। दूसरा, इसके अंदर बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे, बिजली प्रॉपर गांव तक पहुंचे, स्वच्छ पानी वहां तक मिले, हमारा जो खाने पीने की राशन की समस्या वो कहीं भी नहीं, अगर वो भी है तो उसमें भी हम हमारी सरकार की तरफ से भी, हमारी संस्थाओं की तरफ से भी, और हमारा जागो दिशा सही सोच रहे संगठन का पूरी टीम है, वो भी हमारे जो 41 गाँव में ये जाखल ब्लॉक के टोहना हल्के में जो समस्या आई है, इसके सारी की सारी संस्था के साथ ही साथ खड़े हैं, पूरी सरकार साथ खड़ी है, प्रशासन इस पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो सरकार की घोषणाएं हैं उनको आज के समय भी और इस बाढ़ के कंट्रोल के बाद भी, जैसे फसल का नुकसान हुआ है, हमारा जो क्षतिपूर्ति पूर्ति पोर्टल है उस पर किसानों का डाटा अपलोड हो, साथ में अगर कहीं पशुओं का कहीं नुकसान हुआ है उसका डाटा है, ट्यूबवेलों की जो समस्या खराब हुए है उसका डाटा है, ढाणियों में जो नुकसान हुआ है उसका डाटा है, किसी कारणवश पूरे हरियाणा प्रदेश के भी मैं अगर गांव की बात करूं तो पूरे हरियाणा के अंदर जितने हमारे गांव में हमारे लोग बस जहां जिन जिन जगह समस्या आई है, वहां पर अगर किसी जान माल की हानि है उसकी एक आप प्रशासन के जरिए भी डिटेल हो रही है, इकट्ठी की जा रही है, आप लोगों का भी इसमें सहयोग आए, ताकि कोई भी इस आपदा में जो इससे प्रभावित हुआ है, जो सरकार उसका सहयोग करना चाहती है, उस सहयोग से हमारे वो लोग वंचित ना रहें, और आज हम सब मिलकर आओ मिलकर मदद करें। हम सब ने एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे का संदेश देते हुए, मन्नतों का संदेश देते हुए, इसके अंदर आप सबका मैं सहयोग की अपील करता हूँ, खासतौर से मैं अपने टोहल का वासियों, मेरे फतेहाबाद जिला वासियों से और प्रदेश वासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप सब मिलकर इस आपदा के समय में इसका हम मिलकर निदान ढूंढने और इसको इस समय में जो लोग प्रभावित हैं उनके काम आए। इसके साथ साथ हमने एक हेल्पलाइन भी नंबर जारी किया है कि फिर भी कहीं किसी कारणवश कोई आदमी से वंचित ना रहे सुविधाओं से, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप नोट कर लें, 8059400468 80594-00468। ये नंबर हमने हेल्पलाइन के लिए जारी कर दिया है। सरकारी तंत्र से सब सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी आपको कहीं कोई कोताही कमी महसूस होती है तो आप इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, हम उसका समाधान करके देंगे।